आने वाले 4-5-6-10 दिन का लाइनअप क्या है, वहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद वो कपड़े पहन लोगे, जागरण की तैयारी चल रही है गाइस। अंदर पढ़ाई करोगे ना आप? लव हैंड करो बढ़िया। ओ यार राजा के पीछे क्यों पड़ रहा है? तेरी बहना है बब्बू। आ गए ना बाबूजी। आज राजा पढ़ रहे हैं। गो हे गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। और फिलहाल हम लोग उठ चुके हैं, जल्दी करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर हम लोगों को थोड़ा सा अपने ड्रेसेस फाइनल करने जाना है। कोज मैं आप लोगों को बता दूं आने वाले 4-5-6-10 दिन का लाइनअप क्या है। बेसिकली पहले हम लोगों के बैक टू बैक 2 शूट्स हैं, पहले हम लोगों को वो खत्म करने हैं, उसके बाद हम लोग सीधा निकल रहे हैं रुड़की है जागरण, वहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद हम लोगों को जाना है खुशी के बुआ जी के बेटे की शादी में, तो वहाँ पे भी खूब इंजॉय होने वाला है। आने वाले लगभग 10-12 दिन का बहुत तगड़ा शेड्यूल होने वाला है। बहुत दिन हो गए यहाँ पे लेटे ऑडिशंस करते हुए और मीटिंग्स करते हुए, अब टाइम आया कि 10-12 दिन सबसे मिलके आते हैं, चिल करके आते हैं। उधर से आते हुए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि राजा को अपने साथ लेके आए, जिससे कि हम 15-20 दिन एक महीना उसको अपने पास रखें, मस्ती करें साथ में। ऑलमोस्ट मेरी शॉपिंग डन है, एक शर्ट मुझे वाइट उठानी है, वो जाके कहीं से उठा लूंगा जल्दी। मामा वो कपड़े पहन लोगे? ऑलमोस्ट कहां से ड्रेस उठानी है वो देखना पड़ेगा, कैसे और कब। कहां से? लुधियाना से। तो जाते उठा लूंगा, जाते उधर हम रात को निकले तो जवाब करना पड़ेगा ना फिर। देखो अजीब गरीब बात, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कुछ लड़कियां शायद अलग होती हैं, कुछ लड़के अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, सब लड़के एक जैसे हैं, सब लड़कियां एक जैसी हैं। तू क्या सोचता है शौर्य? पांच उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सारी अलग होती है। अंगूठा थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है, पतली करनी उंगली, पतली छोटी इसकी करनी उंगली, पता है ना शौर्य? तुझे लगता है सब लड़कियां लगभग कहीं ना कहीं सब अलग होती है, सब अलग है, या कहीं ना कहीं सब सेम है? सब अलग है, सबकी सोच अलग है। आपकी सोच कैसी है? आध्यात्मिक सोच है क्या आपकी? हैं? नाइस, बहुत अच्छी लगता है मुझे जब आप सुबह योगा करती हो ना, मुझे काफी अच्छा लगता है। वहाँ देखो हम लोग कितनी शॉपिंग करके रख रखी, कोने में देखो अगर वहाँ खतरनाक तरीके से शॉपिंग कर रखी है। शूज धुल गए, लेकिन ना केमिकल तो अलग ही चीज होती है, अभी वो हाथ से धोए ना तो उसमें वो गंदा रह गया लेसिस का, तो केमिकल लगता है तब तक साफ नहीं होता। गुड मॉर्निंग राजा, क्या भर रखा है मुँह में? क्या वाटरमेलन? आज आपने जूस नहीं पिया क्या वाटरमेलन का? फिर ऐसे खा रहे हो पापा के साथ? और ये क्या चल रहा है इधर राजा? इधर चल रहा है तैयारी जागरण मेवा की तैयारी, प्रसाद की तैयारी। साफ साफ बताओ जागरण की तैयारी, जागरण की तैयारी चल रही है गाइस। और ये आपने अपना बैग वहाँ क्यों रखा है नीचे? उठाओ इसको, बैग नीचे थोड़ी रखते हैं, अपना स्कूल बैग उठाओ इधर रखो। ओए भाई राजा, कहाँ जा रहे हैं हम? अंदर पढ़ाई करोगे ना आप? सच? हाँ सच माँ, ये पढ़ेगा अंदर। ऐसे बैग को उतार देता है भाई। जला दी? हाँ ये भी मैंने जला दी मम्मी। पहले रूम ठीक कर दे, हेलो है ना, पहले रूम ठीक कर दे। देखो पूरा रूम कितना गंदा हो रहा है। ये क्या बात हुई भाई, आप तो रूम ठीक करने वाले थे, आप लेट गए। ये क्या बात हुई भाई, हवा चल रही है, बार-बार मैं तो छीतल लाऊं किसको? बातों ओफो खराब हो रहा है बार-बार। अरे यार क्यों उड़ रहा है ये हवा में इतना? अच्छा, और आपके पीछे जो क्विल्ट पड़ा है उसकी कौन बनाएगा? ये वाला जो क्विल्ट पड़ा है इसको कौन फोल्ड करेगा? करोगे कैसे? अच्छा तो दिया मैंने फोल्ड। कर दिया फोल्ड? बस इतना ही फोल्ड होता है ये? ओके ओके गुड बॉय गुड बॉय। अब ये तो ठीक कर दिया आपने, ये ऐसे कौन फोल्ड करता है भाई? हो गई फोल्ड, नौटंकी। मैं दिखाती हूँ कैसे करते हैं फोल्ड। टैन टैन बिल्कुल ठीक हो गया बैड हमारा, है ना? अब यहाँ पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है।
गाइस इस घर में तीन तीन वॉशरूम है लेकिन इनको वही आके मुंह धोना था, मैं रेडी हो रही हूँ। और आज हम लोग हमारे पुराने व्लॉग्स देख रहे थे, एकदम नॉस्टैल्जिया हो गया कि वो वाले व्लॉग देख रहे थे जब हम लोग रुड़की ऊपर वाला घर बनने से पहले वहाँ पे रह रहे थे क्योंकि कोविड का टाइम था और शायद ना मैं और विवेक कहीं बाहर से आए थे तो हम कुछ टाइम ऊपर ही रहते हैं ना तब का, और तब मैं इतनी मोटी थी मेरा मुंह ऐसा पूरा चबी चबी सा लग रहा था। और गाइस ये सारा सामान मुझे पैक करना है इसलिए मैंने इतना सारा खलारा कर रखा है, तो आज मैं पैकिंग करूंगी आप सबको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे अपने पाउच बनाती हूँ। और मुझे क्योंकि तीन अलग अलग चीजों के लिए कपड़े पैक करने, लाइक जागरण के लिए, शादी के लिए और शूट के लिए, तो बहुत सामान होने वाला। आई थिंक मेरे चार अटैच हो जाएंगे बट हम 15 किलो लेके जा सकते हैं, 15 और साथ साथ, तो हमने थोड़ा 15 kg में आपके लिए एड ऑन करवा दिया 15 kg। और अभी हमारा मिला के टोटल हम लोग 30 और 15 45 एक और 14 एक ये लेके जा सकते हैं, और जो मेरा एक्स्ट्रा रहेगा वो मैं यही छोड़ के जाऊंगा। 15 kg आपके लिए इसलिए एड ऑन कराया कि अगर हम बाई चांस 15 kg ना कराते, उससे कम कराते ना, तो फिर उसी पीस के अंदर ऐड करना पड़ता क्योंकि लगे जो पीस भी होते हैं ना। अच्छा, तो उसमें हम एक ले जा सकते थे, एक अब हम तीन लगेज बड़े लेके जा सकते हैं, दो छोटे दो हैंड लगेज लेके जा सकते हैं। मैंने ना कॉटन बॉल्स मंगवा ली थी क्योंकि मेरे स्विगी में ना ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा था तो कुछ पैसे बच रहे थे, मैंने सोचा ये मंगवा लेती हूँ। मैं सोच रही इसको किस काम करूँ, मतलब क्या करूँ इसका, तो अभी मैं इससे मेकअप रिमूव कर लिया करूँगी, ये वाला सही है बिल्कुल। और मैं वैसे मैंने रेडी होने के लिए मैं इस मिरर में देख के रेडी नहीं होती हूँ, मैं इस वाले मिरर में देख के रेडी होती हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़ा जूम जूम दिखता है। और अगर मैं फेस की बात करूँ तो मेरा फेस बहुत पतला हो गया, ऑलमोस्ट मेरा मेकअप हो गया। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने सिंदूर लगाया था क्योंकि कल मैंने ऐसी लुक करी थी, और सब कहते हैं कभी सिंदूर खुद से नहीं मिटाते तो इसलिए मैंने सिंदूर मिटाया नहीं, तो आई थिंक जब तक मैं हेड वॉश नहीं करूंगी मेरे बालों में ऐसे रहेगा। गाइस मैंने बहुत टाइम बाद डायसन निकाला तो आज मैं कर्ल करने वाली हूँ, लेकिन मैंने सुना कि जिसने केराटिन कराया होता है उसके बाल में कर्ल रुकते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ क्या पता रुक जाए थोड़ी स्टाइलिंग करने का। A few moments later. तो गाइस मैंने फ्रंट पे हल्के हल्के कर्ल किए बस ऐसे स्टाइलिंग के लिए, पीछे से मेरे बाल भी थोड़े स्ट्रेट है, पता नहीं मैंने क्या कर लिया, लेकिन मुझे पता है केराटिन वाले हेयर्स में कर्ल रुकेंगे नहीं तो इसलिए ये मैंने वैसे ही किए थे। मन लग रहा है, कौन परेशान कर रहा है? आदि आदि कर रहा है आपको परेशान? और हम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मस्ती। और हमने कितनी बातें की? शादी। राजा ये वाला गेम खेलते हैं, ये वाला, ठीक है? ओके अभी मेरे को रखने तो देते अच्छे से। लीली 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 अब मेरी बारी, ठीक है लव हैंड करो। अरे यार कैसे बच जाते हो आप बार बार? कौन आया गेट में? देखिए कौन है। यूवी नमस्ते, सुन लिया? जो भी गा रहे थे आप, फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में आगे मेरी बहना है बब्बू। आ मेरे बाबूजी, मेरा लड्डू पेड़ा। मम्मा आज राजा पढ़ रहा है? हाँ। राजा बेटा तू ठीक है? हाँ। वैसे तो ये लाइन किसने बनाई इतनी सुंदर? ये तो राजा ने। चल राजा बनाओ यहाँ पे लाइन, यहाँ से नीचे नीचे बनाओ, नीचे ऐसे ऐसे खींचो बेटा, ऐसे नहीं बनाने हैं आपको, डॉट तो मैंने बनाए हुए हैं, आपको इन पे लाइन बनानी है, पकड़ो ऐसे करके और ऐसे, ठीक है? अब यहाँ बनाओ ऐसे करके लाइन बनाओ। जिन लोगों को नहीं पता मेरा IGKU में सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें मैंने पार्ट लिया है। वेरी गुड। यस।
गाइस यहां पे चल रहा है मैच, शौर्य देख रहा है फिलहाल मैच बैठ के, क्योंकि अभी आईपीएल चल रहे, तो हम लोग शाम को आईपीएल वगैरह देख लेते हैं बैठ के। और फिलहाल मैं हो चुका हूं रेडी, खुशी भी हो चुकी है रेडी, हम लोग जा रहे हैं जिम, बैग हो चुका है हमारा रेडी जिम वाला। और ये जो थोड़ा सामान है मतलब हमारा पैकिंग होनी है आज रात को आके, तो ये पैकिंग करनी है। ये शूज कुछ गंदे थे, वॉश हो चुके हैं। यहाँ पे मेरी सारी जींस है गंदी थी, वो प्रेस होके रखी जा चुकी है, मतलब इसको हटाऊंगा तो नीचे से प्रेस वाली जींस निकलेगी। आर यू रेडी? चलो फिर, तो खुशी भी रेडी, अब हम लोग निकल रहे हैं। 2000 years later. अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हालत है देखो सबकी, क्योंकि आज हमने ऐसा माहौल, इतनी सारी कहानियां 12 बजे से लेके 4 बजे भाई मैं सोचता हूं, लेकिन अभी भी ना ऐसी ऐसी बातें पड़ी हुई 4-5, तो 4-5 इतने डेड भाई, जब बात शुरू करी थी ना भाई नु कह रहा था भाई मैं किसी पे नहीं मानता, तुम बात शुरू करो, इन्हू कह रहा है लाइट चलो, लाइट बंद रहने दो ना विवेक भाई, मैं कसम से यार लाइट बंद होती ना अब तक एक आधे का हार्ट अटैक आ लेता भाई कसम से। जय बजरंगी। हाँ लेकिन भाभी ना पहले डर रही थी, लेकिन इनका बाद में खुल गई, बाकी जो दो खुले हुए थे शुरू में बंद हो गए। अरे देख तू, यो गेट खुला गया एकदम से यार।